जय हिंद बच्चों। शिक्षा विभाग राजस्थान के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें आज अपना टॉपिक है गोंड जनजाति। हाँ, गोंड जनजाति। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में ये बताया था भी इस पाठ्यक्रम में, इस पाठ में हमारी टोटल 4 जनजातियां हैं, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति। जिनमें से 2 जनजाति भील और गोंड है, वो अपने भारत में पाई जाती है। तो आज हम अपने उसी भारत में पाई जाने वाली जनजाति गोंड जनजाति पर बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं गोंड जनजाति। देखिएगा, गोंड जनजाति ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी ये विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है। और कहाँ पाई जाती है ये अपनी? भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में 1 करोड़ से भी अधिक की संख्या में है ये, और भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में ये पाई जाती है। एक बात और हम यहाँ और करना चाहेंगे, ये जो शब्द है बेटा गोंड, गोंड जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस से हुई, यानी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो वो शब्द है बेटा खोंडा। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो हुई खोंडा शब्द से। खोंडा, खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। तो एक तरीके से ये हुई पहाड़ी क्षेत्र की जनजाति। तो खोंडा शब्द का जो अर्थ है वो है पहाड़ी। तो अपने आप में ये अच्छी बातें हैं जो हमें लंबे टाइम तक याद रखनी है। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। कहाँ पाई जाती है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? खोंडा से हुई है। खोंडा का अर्थ क्या होता है? खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। और इस जनजाति के ये जो लोग हैं, यानी गोंड जनजाति के लोग, अपने आप को यानी स्वयं को कई अन्य नाम से भी जानते हैं, अपने आप को कई अन्य नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं। वो शब्द है कोईटूर। ये अपने आप को कोईटूर भी बोलते हैं और ये अपने आप को कोल भी बोलते हैं। तो कोईटूर या कोल अपने आप को कौन सी जनजाति बोलती है? वो है बेटा गोंड जनजाति। एक चीज आप यहां पर और समझिएगा भी, ये जनजाति हमने कहा भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कब पाई जाती थी ये जनजाति? 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी तक, 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक ये मध्य भारत में पाई जाती थी। और इनका जो क्षेत्र था बच्चों, वो कहलाता था गोंडवाना क्षेत्र। यानी 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में इनका राज था और उनका जो राज्य था, जो साम्राज्य था, वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। और इस गोंडवाना के कुल 4 राज्य थे जहां पर इस जनजाति का राज था। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला गढ़मंडला, पहला है गढ़मंडला। दूसरा इनका राज्य था देवगढ़,
तीसरा इनका जो राज्य था उसका नाम था चांदागढ़, और चौथा राज्य था इनका खेड़ला। तो मध्य भारत में इनकी चार रियासतें भी थी, गढ़मंडला, देवगढ़, चांदागढ़, खेड़ला। फिर क्या हुआ ऐसा, मुगलों का राज आया तो मुगलों ने इन गोंडों को हरा दिया। रही कही कसर किसने पूरी कर दी, बाद में मराठाओं ने। तो मुगलों और मराठों ने इन्हें बुरी तरह से परास्त कर दिया, और समय ऐसा चला, समय का चक्कर ऐसा चला भी वर्तमान में ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गए। इनके त्वचा का जो रंग होता है गोंड जनजाति के, वो काला होता है। दाढ़ी के ऊपर जो मूंछों में जो बाल हैं वो उनके बहुत ही कम होते हैं। इनकी नाक मोटी होती है और चौड़ी होती है। तो बेटा ये बातें थी गोंड जनजाति की कुछ सामान्य परिचय वाली बात। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र पर। हमने कहा ये भारत में पाई जाती है, तो भारत में ये कहां कहां पाई जाती है उस पर अब बात करते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां और समझाना चाहूंगा, एरिया में मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूंगा। एक तो राजनीतिक दृष्टि से, अर्थात किन राज्यों में इनका बाहुल्य है, तो वो राजनीतिक सीमा की बात आ गई। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीकों में मतलब जहां ये है वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं या कौन सी नदियां उन पहाड़ियों से निकलती हैं। तो यानी गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र में बच्चों हम राज्यों में और उनके पहाड़ी या नदियों पे, अर्थात हम राजनीतिक और भौतिक क्षेत्र की बात यहां करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्यों में भी इस जनजाति का विस्तार किन राज्यों में अधिक है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा जो आज कहलाता है ओडिशा, और थोड़े बहुत आसाम में। तो ये वो राज्य है जहां पर गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आसाम राज्यों में गोंड जनजाति है वो पाई जाती है। अब हम बात करते हैं उन राज्यों में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा है बच्चों, हमने ये कहा है भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो इन राज्यों में वो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहां हम पहाड़ी और पठारों पर बात करें जहां पर इनका बाहुल्य है, तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पहाड़ियों की बात। दूसरी आ जाती है मेकाल पर्वत श्रेणी, पहाड़ियों की बात। तीसरी आ जाती है गढ़जात पहाड़ी क्षेत्र, तो सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, मेकाल पहाड़ी क्षेत्र में, गढ़जात पहाड़ी क्षेत्र में, और पठारों पर भी बात कर ले वहीं, तो सोन देवगढ़
सोन देवगढ़ उच्च भूमि, इस क्षेत्र में भी, और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार दंडकारण्य क्षेत्र भी कहते हैं जिसे, दंडकारण्य पठार। तो यानी सतपुड़ा, पर्वत श्रेणिया, मेकाल, गडजात, इन पहाड़ियों में सोन देवगढ़ उच्च भूमि और बस्तर के पठार क्षेत्र में इस गोंड जनजाति का बाहुल्य है। और ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र किन राज्यों में है उनका उल्लेख हमने इधर किया है। और ये वही पहाड़ी क्षेत्र है जहां से बहुत सी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है, तो क्यों ना हम उनका उल्लेख भी कर लें। 11वीं क्लास में हमने इसके बारे में विस्तृत पढ़ा है, अब तो हम उनके नाम को ही ध्यान में रखना है भी। अच्छा भी, इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये पहाड़ी एरिया ज़्यादातर इन राज्यों में है, इन राज्यों में ये गोंड जनजाति पाई जाती है, और इन्हीं पहाड़ियों से मुख्यतः इन नदियों का उद्गम है वो होता है। तो वो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, तो देखिएगा बेटा, वो है अपनी नर्मदा नदी, हमारी ताप्ती नदी। तो नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, सोन नदी हुई, महानदी हुई, गोदावरी हुई, तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी, इन सब नदियों का उद्गम स्थल भी इन्हीं गोंड जनजाति वाला क्षेत्र ही है, यानी इन्हीं पहाड़ियों से ये नदियां निकलती है। इस जो ये जो क्षेत्र है, यहां पर सघन वन पाए जाते हैं। यहां का जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और बारिश की अगर बात करें तो वर्षा का जो औसत है वो 120 से 160 सेंटीमीटर तक का यहां रहता है। मैं चाहता हूं, हमने यहां पर एक परिचय तो ले लिया, उसको हम नक्शे पर भी समझें, मानचित्र पर भी थोड़ा देखेंगे भी ये क्षेत्र कौन सा है। तो देखिएगा, अब मैं आपको मानचित्र पर बता रहा हूं। ये है बच्चों भारत का मानचित्र, जिसमें ये हमारा राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, यहां पर ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये ओडिशा, ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना राज्य है। तो हमने यहां पर कहा भी गोंड जनजाति है वो किन राज्यों में है, क्योंकि आपके परीक्षा में नक्शे में भरवा भी सकते हैं, और वैसे भी समझने के लिए और याद रखने के लिए इसे नक्शे पर समझना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, मैंने यहां रेड लाइनों से इसको मार्क किया है जिस क्षेत्र में गोंड जनजाति पाई जाती है। कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और कोई थोड़ी बहुत आसाम के अंतर्गत। तो ये है बच्चों गोंड जनजाति का बाहुल्य। तो राज्यों की बात आई है तो ये हमारा राजनीतिक मानचित्र हो गया। और इसी क्षेत्र में जो प्रमुख पहाड़ी और पठारों की हमने बात की, तो देखिएगा हम इसी बात को इस तरीके से भी देखते हैं। गोंड जनजाति प्राकृतिक निवासी क्षेत्र, यहां मैंने आपको भी, जैसे मैंने, ये मध्य प्रदेश है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मेकाल पर्वत श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि का क्षेत्र, बस्तर का पठार, ठीक है, और ये गडजात पहाड़ियां हो गई। तो यानी यही इन्हीं राज्यों में ये पहाड़ी और जो पठारी क्षेत्र है इसी में गोंड जनजाति है उसका बाहुल्य है। तो इस प्रकार हमने थ्योरी के साथ साथ बच्चों मानचित्र के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की है भी गोंड जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है। उम्मीद करता हूं आप आज के इस टॉपिक से बहुत लाभ उठाया होगा आपने, और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे इसकी आर्थिक क्रियाकलापों की,
और इसके समाज और संस्कृति पर, इसकी समायोजन पर और आधुनिक संस्कृति के प्रभाव संबंधी बातें। तो तब तक आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।